मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का यह धरती कैसे करी स्वागत, अनाथ बच्चों और विधवाओं की चित्कार पुकार रही है, आपकी संवेदनहीनता से उसकी दर्द को बढ़ा रहा है। आपके उस लाशों के ढेर पर आपके पुलिस महकमा अरबपति बन गए, अपने धन कुबेर की इमारत खड़ा कर लिए, उसकी समीक्षा कर समाधान क्यों नहीं। आज मौत के सौदागर को चिन्हित करिए, इतने बड़े नरसंहार की जिम्मेवारी तय करिए, उच्च स्तरीय इसकी जांच कर मुआवजा और इनके परिवार को रोजगार में अवसर प्रदान करिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा का आज फिर से शुरुआत होने वाला है और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा करने बिहार के छपरा में जाएंगे। ये वही बिहार के छपरा है जहां से 5 दिसंबर को जहरीली शराब कांड ने तांडव मचाया था और फिर नीतीश कुमार ने कहा था कि जो पिएगा वो मरेगा ही। आज उसी छपरा की धरती पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा होने वाला है और उसी छपरा में जहरीली शराब कांड ने तांडव मचाया, मुआवजा देने के बदले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जो पिएगा सो मरेगा ही। अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि आप किस मुंह से वहां पर जाएंगे जहां पे आपके शराबबंदी ने 200 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। आप किस मुंह से जाएंगे छपरा में जहां पे आपने कहा था कि जो पिएगा सो मरेगा ही। सुनाते हैं आपको नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा इन तमाम मामले पर, साथ ही साथ नीतीश कुमार के छपरा समाधान यात्रा पर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। सारण की धरती पर जहरीली शराब से हुई मौत का सौदागर कौन, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का यह धरती कैसे करी स्वागत, अनाथ बच्चों और विधवाओं की चित्कार पुकार रही है, आपकी संवेदनहीनता से उसकी दर्द को बढ़ा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप उस धरती पर गए हैं, सैकड़ों मौत हुई है, कई लोग आज भी इलाज करा रहे हैं, आंखों की रोशनी खो दिया, आप उसको मुआवजा देने की बजाय जो पिएगा सो मरेगा, ये संवेदनहीनता का शब्द कहीं न कहीं उसके दर्द को बढ़ा रहा है। आपके उस लाशों के ढेर पर आपके पुलिस महकमा अरबपति बन गए, अपने धन कुबेर की इमारत खड़ा कर लिए, उसकी समीक्षा कर समाधान क्यों नहीं, उस पर चर्चा क्यों नहीं। मुख्यमंत्री जी, आज पुलिस अपराधियों की गोली से जिन निर्दोष का मौत हुआ है उसकी दर्द को सुनने का आपको फुर्सत क्यों नहीं। संगीनों के साए में कैसे दर्द बखान करे, आपके हस्तिनापुर के गुलामों के बीच कैसे उसकी दर्द की संवाद हो। आप सत्ता के आत्मुक्ता में अपनी जवान को किस तरह से फिसलते हुए देख रहे हैं, ये उम्र का प्रभाव है या कहीं ना कहीं समस्याओं से नजर चुराना है। आप समाधान नहीं, आप विकास का शांति में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, समाधान करना है तो संगीनों के साए से निकल करके आप लोगों को आमंत्रित कर करके और लोगों के दर्द को सुनिए। जो आज 100 से ज़्यादा पीड़ित परिवार बैठा हुआ अपनी दर्द को बताने के लिए, उसकी आंसू जाकर पूछिए। आज मौत के सौदागर को चिन्हित करिए, इतने बड़े नरसंहार की जिम्मेवारी तय करिए, उच्च स्तरीय इसकी जांच कर मुआवजा और इनके परिवार को रोजगार में अवसर प्रदान करिए, तभी आपका ये समाधान यात्रा सफल होगा, नहीं तो ये निरर्थक और व्यर्थ यात्रा है। लोगों के बीच एक भ्रम और सत्ता की आत्ममुग्धता का एक प्रदर्शन है, ये यात्रा नहीं, ये विदाई यात्रा बनकर रह जाए। तो आपने विजय सिन्हा को सुना, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से मरने वालों का सौदागर कौन, और उन्होंने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर बड़ा प्रश्न खड़ा किया है। देखने वाली बात होगी कि आज छपरा में जहां पे नीतीश कुमार समाधान यात्रा करेंगे, जीविका दीदियों से मिलेंगे, वहां की क्या कुछ तस्वीरें सामने आएंगी। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।